हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक प्लगइन के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा प्लगइन है 3D आर्क स्टूडियो 3D ट्री मेकर। दोस्तों, ये प्लगइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको जस्ट गूगल पर सर्च करना है 3D आर्क स्टूडियो ट्री मेकर स्केचुकेशन, तो ये आपको फर्स्ट साइट skechukation.com पर मिलेगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जस्ट इस साइट पर रजिस्टर करना है, जो कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दिया, तो दोस्तों यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें हम ट्री क्रिएट कर सकते हैं खुद से। इसमें फर्स्ट ऑप्शन न्यू ट्री का है। दोस्तों, जो भी इस फाइल में आप ट्री देख रहे हैं, देखिए इसकी वजह से ये फाइल थोड़ी लैग हो रही है, फाइल हैंग हो रही है। ये मैंने एक प्लॉट के एक मकान के दोनों तरफ दो ट्री दिखाए और कुछ इसमें प्लांटर ग्राउंड फ्लोर पर और कुछ इसमें टेरिस पर प्लांटर दिखाए। दोस्तों, जैसे हम फाइल में काम करते हैं तो ये फाइल लैग होने लग जाती है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम जो अब ट्री लगाएंगे वो हम इस प्लगइन से बनाएंगे। दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे ट्री के लिए। इसमें ट्री 00 डिफॉल्ट, ये एक ट्री है। इसी तरह से करते हुए इसमें यहाँ काफ़ी सारे ट्री आपको मिलेंगे। इनमें से जो भी ट्री आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, उसका प्रीव्यू आपको यहाँ शो हो जाएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे, आप इस ट्री को प्लेस कर सकते हैं जहाँ भी आप इसको प्लेस करना चाहें। तो दोस्तों, जब मैंने इसको प्लेस किया, अब प्लेस करने के बाद जब ये यहाँ ट्री आ गया है, जब भी मैं फाइल में काम करूँगा तो जाहिर सी बात है कि इतनी हैवी ज्योमेट्री होने के कारण फाइल हैंग होगी। तो इसमें हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, थर्ड ऑप्शन प्रोक्सीज का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमारा ये नया वाला ट्री जस्ट एक प्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि ये डॉटेड लाइन और डॉट्स के साथ शो होने लग जाएगा, जिससे कि हमारी फाइल हैंग नहीं होगी। तो अब मुझे पता है कि एक ट्री मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। अब मुझे सेम ट्री की कॉपी करनी है या दूसरा नया ट्री प्लेस करना है, तो वो भी मैं प्लेस कर सकता हूँ और उसको भी प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो जस्ट हमें प्रॉक्सी शो होगी, डॉट्स और डॉटेड लाइंस। तो इससे जब हम काम करते हैं तो हमें फाइल में प्रॉब्लम नहीं आती। जब हम सभी मॉडलिंग कम्प्लीट कर लेंगे, सभी ट्रीज प्लेस कर लेंगे, देन हम प्रॉक्सी को वापस से ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं लास्ट ऑप्शन से। जैसे हम रीड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो जो भी प्रॉक्सी शो हो रही होंगी वो सभी प्रॉक्सीज ट्री में और वेजिटेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसा कि ये अभी ट्री कन्वर्ट हो गया है, तो इसी तरह से हम जो भी ट्री डाउनलोड करना चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं इन ऑप्शंस में से। और दोस्तों, साथ ही इसमें से हम इनको एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम जो भी ट्रीज बाकी फाइल में हमने लगाए हुए हैं उनको हम प्रॉक्सी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब मैंने प्रॉक्सीज पर क्लिक किया तो जस्ट ये वाला ट्री प्रॉक्सी में कन्वर्ट हुआ जो हमने इस प्लगइन से बनाया था। बाकी ट्रीज एज इट इज़ हैं, तो उनकी वजह से फाइल थोड़ी हैवी रहेगी। तो इस तरह से हमें जो भी ट्रीज या वेजिटेशन यूज़ करना है, अगर वो हम इस प्लगइन के थ्रू बनाएंगे तो हम फाइल में इजीली काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब अगर इसमें बात करें, इस ट्री को मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो दोस्तों इस ट्री को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और हमारे इस प्लगइन में जाएंगे 3D आर्क स्टूडियो। इसमें यहाँ आपको ट्री कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर जाकर दोस्तों, आप इस ट्री को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस ट्री को मॉडिफाई करने का, इसकी ब्रांचेस, इसकी हाइट, इसकी लेंथ, विड्थ, जो भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हालांकि इनकी आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मली स्केल से भी ट्री को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कर पाएंगे और इस तरह से आप ट्रीज वगैरह प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इसमें मेक ग्रास का ऑप्शन है। अब ग्रास के लिए हमें कोई पर्टिकुलर सर्फेस चाहिए जिस पर हमें ग्रास बनानी है, और इसके लिए मैं यहाँ आपको एक शेप मार्क करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सर्कल में शेप मार्क की, इसको थोड़ी सी हाइट दे दी और इसके आउटसाइड पर एक बाउंड्री प्लेस कर दी कुछ इस तरह से। बीच वाले सरफेस को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसको मैंने लिया। तो एक ये मैंने शेप यहाँ मार्क की, एक इसके साथ हम रेक्टेंगल और मार्क कर देते हैं, इसको भी पुश पुल कर लेते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। तो दोस्तों, इसमें बीच का सर्फेस मैंने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, सरफेस सेलेक्ट हो गया। इसके अंदर मुझे ग्रास शो करनी है, तो सेकंड ऑप्शन लिया ग्रास। यहाँ से हम ग्रास का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो ग्रास हमें यहाँ शो हो रही है। अगर हम यही ग्रास लेना चाहें तो इसी को रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ग्रास 4, ग्रास 3, ग्रास 1 ये सब चीज़ें ले सकते हैं, या फिर इसमें प्लांट्स वगैरह जो भी ऑप्शन लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। तो ये ग्रास और प्लांट्स के लिए सेम काम करेगा। फर्स्ट हम ग्रास की बात करते हैं, तो कोई भी हमने जेनरिक ग्रास ली, इसको जैसे ही सरफेस जो हमने सेलेक्ट किया था उसके बाद हमने ये ऑप्शन पिक किया था। अब मैं इसमें प्लेस इंस्टेंसेस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये ग्रास शो होने लग जाएगी। अब इस ग्रास को प्रॉक्सी में कन्वर्ट किया हुआ है, इसको जैसे ही रीड्रॉ करेंगे यहाँ पर प्रॉपर ग्रास शो होने लग जाएगी इस तरह से। तो दोस्तों, ये एक ऑप्शन रहेगा ग्रास मैनेज करने के लिए।
अब दोस्तों सेम सरफेस सेलेक्टेड है, ग्रास तो हमने शो कर दी, अगेन ग्रास में जाकर अब मुझे इसमें कुछ प्लांट्स शो करने हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी फ्लावर वाला एक ऑप्शन ले लेता हूँ, ये वाला ऑप्शन मैंने लिया और प्लेस इंस्टेंसेस पर क्लिक कर दिया। तो इससे सेम सरफेस के अंदर ये वाले प्लांट शो होने लग जाएंगे। दोस्तों इसमें ये प्रॉक्सी शो हो रही है, जैसे हम प्रॉक्सी को रीड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर प्लांट्स भी हमें शो होने लग जाएंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये भी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें ये देखिए, ये प्लांट्स जो हैं ये सर्कुलर शेप में नहीं आए हैं। इसको एक बार अंडू करते हैं, इन प्लांट्स को हम एक बार हटा लेते हैं, सरफेस को सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके, ग्रास में जाकर सेम प्लांट लेंगे कोई भी। इस बार हमने ये वाला प्लांट लिया। दोस्तों इसमें हम ये लास्ट ऑप्शन लेंगे, प्लेस इन अलाइन और स्पाइरल मोड, इसको हम टिक कर देंगे। फर्स्ट को हमने टिक रखा था प्रोसेस के लिए, लास्ट को भी हम टिक कर देंगे। जैसे ही प्लेस इंस्टेंसेस पर करेंगे तो इसमें यहाँ ये शेप के अकॉर्डिंग कुछ प्लांट शो होने लग गए हैं। इसको हम रीड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से शो होने लग गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ इसमें प्लांट्स भी प्लेस कर सकते हैं, ग्रास भी प्लेस कर सकते हैं। अब अगर इसी सरफेस की बात करें रेक्टेंगुलर शेप की, इसको सेलेक्ट किया, ग्रास में जाकर यहाँ से कोई एक प्लांट लिया और इसको प्लेस इंस्टेंसेस पर क्लिक कर दिया। तो ये जस्ट सिंगल हमने मेक प्रॉक्सी ऑन रखा था, ये स्क्वायर के अंदर कुछ इस तरह से रैंडमली शो होने लग गया। रीड्रॉ करते ही यहाँ पर हमें ये प्लांट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम कोई भी प्लांट्स या कोई भी वेजिटेशन, कोई भी ट्री मार्क कर सकते हैं हमारे इस प्लगइन से। और उसका बेनिफिट ये होगा कि जब हम इस प्लगइन से जो भी वेजिटेशन मार्क करेंगे, जो भी वेजिटेशन बनाएंगे, उसको हम प्रॉक्सीज पर क्लिक करते ही एक क्लिक के साथ सारी वेजिटेशन को जस्ट सिंगल प्रॉक्सी में कन्वर्ट कर देंगे, लाइंस और डॉटेड लाइंस में, जिससे कि हमें फाइल में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे वेजिटेशन, सारे ट्रीज हमें डॉटेड में शो होने लग जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये प्लगइन काफ़ी काम आएगा। इसमें आप जो भी प्लांट लेना चाहें प्लांट ले सकते हैं, ग्रास ले सकते हैं या ट्री ले सकते हैं, और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किसी भी एक प्लांट को आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप इसमें प्लगइन में गए ट्री कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ आप इसको मॉडिफाई भी कर पाएंगे, इसके साइज़ को, इसकी हाइट को, इसकी विड्थ को और इसके लीफ वगैरह को, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ये वाला प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, 3D आर्ट स्टूडियो 3D ट्री मेकर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।